क्या तुझे भी कोई पसंद नहीं करता? क्या तुझसे कोई प्यार नहीं करता? क्या लड़कियां तेरी तरफ देखती भी नहीं? क्या तू अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता है? क्या तू चाहता है दुनिया की हर लड़की तेरे प्यार में पागल हो जाए? क्या तू चाहता है दुनिया की खूबसूरत परिया भी तुझे अपना हम सफर चुन ले? क्या तू नहीं चाहता कि हर लड़की तेरे सपने देखने लग जाए? देखो भाई, अब चाहे मानो या ना मानो, मगर सच्चाई यही है कि हर लड़का जरूर चाहेगा कि वो बहुत अच्छा दिखे, खूबसूरत दिखे, और ऐसा हो कि सारी लड़कियां उस पर फिदा हो जाए। तो ऐसे में आज इस वीडियो में देखने के बाद मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि दुनिया की हर लड़की तेरे पर मरेगी, तुझको पाने को तरसेगी और तेरे लिए हर कुछ करेगी। आज के इस वीडियो में बोलूंगा 7 चैलेंजेस, इन्हें एक बार लेकर देख लेना। इसके बाद तुम खुद सोचोगे कि साला हर कोई तुम पर फिदा क्यों है। आओ जानते हैं। चैलेंज 1, अगले 1 महीने तक हिलाना नहीं है। अगले 7 दिन 15 दिन और 1 महीने तक हिलाना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी तालाब लगे, हिलाने का मन करे, खूब ज्यादा मन करे, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर फिर भी कम से कम 1 महीने तक तुझको हिलाना नहीं है। देखो, हिलाओगे तो खुद को बर्बाद करोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं, खुद को खोखला कर लोगे, दाने निकाल लोगे, कमजोर हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। लेकिन अगर सुधरे या संभले रहोगे तो खूबसूरत और जवान दिखोगे, तरोताजा दिखोगे, कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहेगा, जिंदगी अच्छी रहेगी। हिलाना अगले 1 महीने तक छोड़ना है, ये मैं एक बड़ा चैलेंज दे रहा हूँ तुम्हें, जबकि ये कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। बस अगले 1 महीने के लिए अपने आप को किसी भी तरह की अश्लीलता से मत जोड़ना, कभी हिलाने का मन ही नहीं करेगा। ये पहला चैलेंज है जो हर इंसान को लेना है, हर किसी को लेना है, और ये तो होना ही चाहिए। खुद को इतना जटिल बना लेना पड़ेगा कि साला कोई गुमराह ना कर पाए, और इसकी शुरुआत ना हिलाने से होगी। चैलेंज 2, सिग्मा मेल बनो। ये एक बहुत पावरफुल बात बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनना। सालो, तुम्हें ना एक पावरफुल यानी ताकतवर सिग्मा मेल बनना होगा, एक ऐसा मर्द जो साला किसी से ना डरता हो, एक ऐसा मर्द जिसको किसी को होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता हो, एक ऐसा मर्द जो किसी भी लड़की के सामने ना फिसल पाए। एक मजबूत और ताकतवर मर्द बनना होगा। जब तुम एक सिग्मा मेल बन जाते हो तब हर कोई तुम्हारी अदा पर फिदा होने लगता है। अरे बाबा, लड़कियों को भी तत्तू लड़के थोड़ी ना पसंद होते हैं, बल्कि उन्हें तो ऐसे लड़के चाहिए जो आसानी से ना पट सके, ऐसे लड़के ही चाहिए दोस्त। एक ऐसा ही सिग्मा मेल बनना है दोस्त, सबसे अलग, सबसे बेहतरीन, सबसे रंगीन। जितना तगड़ा और जितना कठोर पर्सनैलिटी होगी तुम्हारी, उतना ही मजा आएगा और हर किसी को तुम्हारे करीब आने का मन करेगा। चैलेंज 3, अगले 1 महीने के लिए कोई खराब खाना नहीं है। जितने भी वहियात खाना होता है, जो सड़कों पर मिलता है, जो यहाँ वहाँ कहीं बिक जाता है, ऐसे खानों से परहेज करना चाहिए। ऐसे खाने को गलती से भी नहीं खाना चाहिए, वो खराब तेल में तले हुए, ऐसे भोजन जिनकी कोई दशा दिशा नहीं होती, शरीर के साथ साथ मन को भी कमजोर करता है। अगले 1 महीने के लिए किसी भी तरह के जंक फूड या किसी भी तरह के वाहियात खाने को नहीं खाना है। ऐसा कोई भी खाना जो परेशान करे, जो शरीर को खराब करे, नहीं खाना है उन्हें। अगर अगले 1 महीने बाद बहुत ज्यादा मस्त और चुस्त दिखना चाहते हो तो अभी इस समय के दौरान कुछ भी खराब या वाहियात खाना नहीं खाना है, ये सब खराब कर देंगी बुरी तरह से तुम्हें। चैलेंज 4, सबसे अलग बनना है। कोई बात करे तो करो, वरना सबको भाड़ में जाने दो। यहाँ साला हर कोई अपने मतलब से आता है, अपने मतलब से सभी को याद करता है। तो अगले 1 महीने के लिए कोशिश करना, तुम किसी के सामने से बेवजह कॉल या मैसेज ना करो। सबसे एकदम अलग बनना है, ऐसा लगना चाहिए कि भेड़ियों के झुंड में एक शेर बैठा है जो ताकतवर सबसे ज्यादा है मगर बोलता सबसे कम है। तो ऐसा ही कुछ बनना है, खामोश रहना है, लोगों का सुनना है और कम बोलना है, जितना हो सके कम बोलो। कम बोलोगे तो बहुत फायदे में रहोगे, इसीलिए अगले 1 महीने के लिए इन मामलों में सबसे अलग हो जाओ। चैलेंज 5, रोज कसरत करना है। देख भाई, तू ना एक मर्द है तो थोड़ा मर्द बन, कसरत रोज करेगा तू अब से, हर दिन तेरे शरीर का होगा। अब तुम खुद सोचना, एक खराब सी शरीर वाले इंसान को भला कौन पसंद करेगा। ऐसे में कसरत सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि एकमात्र वो रास्ता है जिसे इंसान अपनी पूरी पर्सनैलिटी चेंज कर सकता है। अगले 1 महीने के लिए ना रोज तू जरा कसरत करके देख, उसके बाद मुझे तू उसका रिजल्ट बताना। रोज कसरत करने के अनगिनत फायदे हैं, तेरा शरीर अपने आप ही ढाल बन जाएगा, तू सबसे जबरदस्त एकदम बवाल नजर आने लगेगा,
हर रोज दंड करना, पुशअप्स या किसी तरह के दौड़ में जाना, शरीर को फुर्तीला रखना और मजबूत रखना हर इंसान की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि इसी से वो आकर्षक नजर आता है। चैलेंज 6, किसी से भी भिड़ जाना है। देख भाई, न किसी से दबना है न ही किसी को दबाना है, लेकिन एक बात है जिसके लिए तुझको किसी से भी भिड़ जाना है, और वो है कि अगर कोई तेरे साथ अपनी औकात दिखाता है, कोई तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, कोई तेरे साथ बदसलूकी या बदतमीजी करता है, कोई अगर तुझे हरकाता है, कोई तुझे पीठ दिखाता है, कोई तेरे सामने ज्यादा जबान चलता है, अगर कोई तेरे से भिड़ने की कोशिश करता है, तो मेरे दोस्त डरना या घबराना नहीं, बल्कि उसको वहीं पेल देना है। साला डरना तो कहीं हमने सीखा ही नहीं। मेरे भाई, किसी भी हालत में कभी भी झुकने वाली आदत मत बनाना। ये आदत बनाना वैसे भी बड़ी आसान लगती है, लेकिन साली जिंदगी भर के लिए गुलाम बना जाती है। हर परिस्थिति में खुद को मजबूत दिखाना है, और जो साला भकैती करे उसको वहीं पेल देना है। चैलेंज 7, बातों का जादूगर बनना है। देखो, मानो या ना मानो, लेकिन एक इंसान की असली पहचान उसके बातों से ही होती है। ऐसे में तुझको बातों का जादूगर बनना होगा, ऐसा जादूगर जो अपनी बातों से सामने वाले को हंसा भी सकता है, रुला भी सकता है, सामने वाले को कुछ बता भी सकता है और चौंका भी सकता है। कुछ इस तरह तुम्हें बातों का खेल सीखना है। वो कहते हैं ना, शब्दों का खेल। जब तुम बातें करना सीख जाते हो, एक अपने अंदाज में बोलना और बात करने की कला को जान जाते हो, तो हर बार हर जगह हर समय पहचाने जाते हो। तुम्हें कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता। लड़कियां भी ऐसे ही लड़कों को पसंद करती है जिसे बात करना बहुत अच्छे से आता हो। तो मैं एक और चैलेंज तुम्हें दे रहा हूँ, जिसके बाद बेशक तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी इमेज दोनों बदलेगी, और वो है कि तुम्हें शब्दों का खेल सीखना है, बातों का जादूगर बनना है। देखो, तुम्हारी बातों में जितना ज्यादा दम होगा, तुम्हारी अपनी अहमियत उतनी बड़ी होगी। इसीलिए जरा बातों से खेलना सीखो, बातें बनाना सीखो, सब कुछ आसानी से बदलेगा, एकदम से संभलेगा। दोस्तों, लड़कियों के पीछे नहीं भागना है, बल्कि लड़कियों को अपने पीछे भगाना है, और ऐसा सिर्फ तभी हो पाएगा जब तुम खुद को उस लायक बनाओगे। चुनौतियों से मत डरो, हर चुनौती एक नया बदलाव लेकर आती है। आज के इस वीडियो में जो 7 चैलेंज दिए, उन्हें एक बार अपना कर देखना, कसम से मजा आ जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो तुरंत लाइक शेयर करना और चैनल को